चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हूज वर्टिसेस आर 7.5, 5.7 and -3.3. अब यहाँ पर देखिए सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, हमें सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल निकालना है जबकि ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स आपको दिए गए. ये देखिए 7.5, 5.7 and -3.3 है ना. तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल होता क्या है? सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल यानी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड. तो चलिए हम क्या करते हैं आपको पहले बता देते हैं. तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ले रहे हैं. ये आ गया ट्रायंगल. ये ट्रायंगल देखिए ड्रॉ कर लिया गया. ये है ट्रायंगल ए बी सी. ये क्या ट्रायंगल ए बी सी. ये ट्रायंगल ए बी सी हमने ड्रॉ कर लिया. अब इसके बाद देखिए ट्रायंगल किसी भी ट्रायंगल में कितने मीडियंस होते हैं? 3 मीडियंस होते हैं माध्यिका. तो चलिए सारी इस ट्रायंगल की तीनों मीडियंस जो है उसको ड्रॉ कर ले रहे हैं. तो चलिए पहली मीडियंस ये आ गई. ए बी सी फुल ए डी. पहली मीडियन इस ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी की पहली मीडियन क्या है? ए डी. उसके बाद एक और ले ले रहे हैं. 3 मीडियंस होती है ट्रायंगल में. कितनी मीडियंस? 3 मीडियंस. चलिए ये हो गया ए बी सी डी फुल ए ई. चलिए दूसरी मीडियंस आ गई अब ट्रायंगल की. थर्ड मीडियन भी ड्रॉ कर ले रहे हैं. ये आ गई F. ठीक है. तो ट्रायंगल देखिए ट्रायंगल ए बी सी. एक ट्रायंगल ए बी सी लिया हमने. अब इस ट्रायंगल ए बी सी के तीनों वर्टेक्स से तीनों वर्टेक्स ए वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी से तीनों से क्या किया हमने? मीडियन ड्रॉ कर लिया. एक ट्रायंगल में मैक्सिमम कितने? 3 मीडियंस ड्रॉ किए जा सकते हैं. ठीक है. तो हमने तीनों ले लिया. पहला ए डी, दूसरा बी ई और तीसरा सी एफ. तीनों मीडियंस ड्रॉ कर लिया. अब देखिए जो तीनों मीडियंस है इस ट्रायंगल ए बी सी की ए डी बी ई और सी एफ, वो तीनों मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ही है. तीनों मीडियंस एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इसी कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड. चलो इसको हम सेंट्रॉइड को हम सी से दिखा दे रहे हैं. किससे? सेंट्रॉइड को सी से. ये जो कॉमन पॉइंट है चलिए यहां लिख दे रहे हैं. ठीक है. तीनों मीडियंस का ट्राइंगल के तीनों मीडियंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, देखिए तीनों मीडियंस ए डी बी और सी एफ एक दूसरे को एट अ पॉइंट इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इस पॉइंट को चलिए हम कुछ भी हमने सी दिखाया है ना. चलिए हम इस पॉइंट को हम सी ले रहे हैं. इस पॉइंट को सी ले रहे हैं. तो इसी पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल. इस पॉइंट को हम कहेंगे सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल. ठीक है. इस पॉइंट को हम कहेंगे सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल. यही होता है सेंट्रॉइड. ठीक है. अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, मान लीजिए हमने क्या लिया है, इस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट को हमने देखे यहाँ पे, इससे इस पॉइंट को हमने लिया सी. चलिए सी इसका कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होगा. सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3. ये हो गया किसका? सेंट्रॉइड का फॉर्मूला. ठीक है. सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यानी कि जो भी सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट रहेगा, जैसे सी लिया है तो सी यानी एक्स कॉमा वाई रहेगा इसका कोऑर्डिनेट. अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3. कोऑर्डिनेट आपको हमेशा दिए जाएंगे ट्रायंगल के. देखिए वर्टेक्स ए दिया गया, वर्टेक्स बी दिया गया और वर्टेक्स सी दिया गया. x1 y1 x2 y2 x3 y3 फॉर्मूले में रख दीजिए, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकल आएगा. समझ गए ना. तो चलिए अब हम लेते हैं यहाँ पे. यहाँ देखिए द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हूज वर्टिसेस दिए गए. ये हम लिख दे रहे हैं लेट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल चलिए सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल में ले लिया. लेट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल बी, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं. जैसे यहाँ पे सी लिया, चलिए सी ले लेते हैं. सी हमने ले लिया. ठीक है. एक्स कॉमा वाई. अब यहाँ पे चलिए इसी डायग्राम से हम ये क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं. ए कितना है ये हम ले रहे हैं, कितना? 7.5. बी ले रहे हैं, बी कितना दिया गया है? बी आपको दिया गया है 5.7. और सी आपको कितना दिया गया है? -3.3. अब ये हो जाएगा आपका, देखिए x1 y1, ये x2, ये y2, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x3 और ये y3. x1 y1 x2 y2 x3 y3 कहीं से भी शुरू कर सकते हैं. चाहे तो इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 ले लीजिए. ठीक है. किसी को भी x1 y1 ले सकते हैं, चाहे इधर से लीजिए चाहे इधर से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आ जाएगा. ठीक है. तो चलिए अब यहां पर हमने ले लिया सेंट्रॉइड. देखिए सेंट्रॉइड सी, इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या है? सी है. तो यहां पर चलिए इसका कोऑर्डिनेट निकालना है. क्या लिख दे रहे हैं? बाय यूजिंग सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला.
by using centroid of triangle formula. Centroid of triangle formula. ठीक है, यानी कि ट्राइंगल के सेंट्रॉइड का फॉर्मूला तो होता क्या है, देखिए हमने पॉइंट क्या लिया, सी लिया एक्स कॉमा वाई, तो चलिए सी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री कॉमन वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री वैल्यू पुट करते जाइए, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री देख लीजिए, एक्स वन कितना है, एक्स वन है सेवन प्लस एक्स टू कितना है, एक्स टू है फाइव, उसके बाद प्लस एक्स थ्री कितना है, एक्स थ्री देखिए कितना है माइनस थ्री अपॉन थ्री है ये यहाँ पे है ना अपॉन क्या है थ्री, ऐसे यहाँ पे भी आइए वाई वन प्लस वाई टू, वाई वन कितना है, वाई वन है फाइव प्लस वाई टू कितना सेवन, वाई थ्री कितना है थ्री अपॉन कितना है थ्री, और आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस थ्री कितना हो जाएगा, देखिए ट्वेल्व माइनस थ्री हो जाएगा नाइन, ये हो जाएगा नाइन अपॉन थ्री, कॉमन यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15, 15 अपॉन 3, सबको प्लस करेंगे 15 आएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 का 9, 3 और यहाँ पे 3, 5 का 15, यानी आ गया कितना 3, 5, यानी सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट आ गया 3, 5, यही पूछ रहा था, यही आंसर हो जाएगा x, y, ठीक है, आ गया, कर लीजिए।